हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज आपका 13.8। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है फिर देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे कि एक स्फेयर जिसका सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस स्फीयर का आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको हम इजी करेंगे, सिंपल वे से देखते हैं फिर कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन में क्या है फिर आपका सरफेस एरिया, क्या दे रखा है आपको, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ किसका दिया है, स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। ये आपको क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इतना। अब आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, देखो स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, ऐसा होता है आपका, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, फिर रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस तो अभी गिवन है नहीं, तो सबसे पहले हम इसके सरफेस एरिया का यूज करके हम इसका रेडियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, फिर इसका फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, बोलो जल्दी। ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद कितना बन जाएगा फिर आपका, ये रहेगा वही 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से क्या फाइंड करना है फिर आपने, यहां से फाइंड करना है आपको आर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर, चलो इसको रख लेते हैं, 4 × 22/7 = 154। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो फिर कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 154 को डिवाइड कर लेते हैं इंटू 7/4 × 22। ये समझ गए होगे, ये 7 चले जाएगा ऊपर, ये दोनों के दोनों आ जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा आपका, 22 से ये कटता है आपका 7 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2 × 7/2 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, या 49/4 भी आप लिख सकते हो इसको, या 7/2 7/2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर में से यहाँ पे पेयरिंग बनी, पेयरिंग का सिंगल ले लो तो 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, इसका रेडियस निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको फाइंड जो करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर इक्वल्स टू कितना होता है फिर, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहां से देखो, वॉल्यूम पे आप जब वैल्यू रखोगे तो कितना बन जाना आपका, 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू पाई कितना हो गया आपका, 22/7, इंटू आर कितना है आपका, 7/2 7/2। अब क्यूब है तो 3 टाइम कर देंगे इसको, इंटू 7/2 × 7/2 क्यूब है ना, इसलिए हमने 3 बार लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कटा आपका, 2 से 4 2 से ये कटा, तो मिस 2 2 जा 4, टोटल ये कट गया, 2 से ये कटा 11 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11 × कितना, 49/3। ठीक, तो नेक्स्ट उसके बाद सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटली ये बन जाएगा आपका, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा आपका 11/49 जा ना, तो 11/9 = 99/53, 539/3।
ठीक है, इससे आप किसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो डिवाइड होकर के आपका आ जाएगा ये 3 1 जा 3 2 7 जा 2, और ये आ जाएगा आपका 9 जा पॉइंट, बचा आपका 2 और 6 जा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 3 जा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो किस में आएगा, क्यूबिक होता है आपका यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है ना, क्यूब में आती है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इतना इसका क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया उस स्फेयर का, इजीली आपका ये सॉल्यूशन बन गया। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम देखेंगे आगे वीडियोज़ में, हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की या आपके जो भी क्लास 9th की जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी चैप्टर हैं आपके, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो आगे के चैप्टर हैं फिर हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।